इसके बाद एक और प्लेटफॉर्म है और ये बड़ा शायद आप में से अक्सर लोगों ने देखा हो, अगर आप डोमेन बाय करने जाते हैं ना तो जो डोमेन ऑलरेडी से परचेज हुई भी होती है तो ज्यादातर वो स्नैप नेम्स के नाम से आ रही होती है या इनके जो है ना डिफरेंट ब्रांड कंपनीज है उनके नाम से आ रही होती है, क्योंकि वो डोमेन इन लोगों ने एक्वायर की होती है या इनके पास होती है या इन लोगों ने एज ए मिडल मैन के तौर पर वर्कआउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम या मेजर ऑफ द डोमेन जो है ना इन लोगों के पास मिलेंगी, इसके ऊपर भी आप अपना जो है ना सिंपल अकाउंट बना सकते हैं। इनके नाम से अपडेट करूँ कि सिंपल अपना अकाउंट बना सकते हैं और यहाँ से भी आप डोमेन्स वगैरह की परचेज वगैरह कर सकते हैं और उसके ऊपर बिड्स वगैरह इनको ऑप्शन के ऊपर भी लगा सकते हैं। सेलर डैशबोर्ड, और यहाँ पे एक और भी चीज जो मैं भी देख रहा था वो है ब्रोकरेज करके, जी अबाउट ब्रोकरेज सर्विस या रिकॉर्ड ऑफ ब्रोकर सक्सेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रोकर, ठीक है, प्रीमियम लिस्टिंग, ये सारा काम भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं अगर बिडिंग्स के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो बिड्स के हिसाब से कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा ये नॉर्मली आपको जो मैंने देखा $45 या $47 से ऊपर जो है ना वेबसाइट्स आपको मिलेंगी मिनिमम, अगर आपने यहाँ से बाय करनी है। इनके थ्रू कोई डोमेन आपको पसंद आती है लेकिन वो ऑलरेडी किसी ने ली भी होती है और आपको स्नैप नेम का जो है ना वो नजर आता है लोगों, तो उसका मतलब है कि वो ऑप्शन के लिए या उस सेल के लिए अवेलेबल, अगर आप उसको ऑफर देंगे तो वो जो है ना एक्सेप्ट करने का या वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। दूसरे एस्क्रो के थ्रू भी आपको अलाउ करते हैं कि आप एस्क्रो के थ्रू जो है ना सेल्स एंड परचेज के थ्रू कर सकते हैं। तो जनाब इसके और इसके ऊपर आप एक्सपायर्ड डोमेन्स वगैरह जो है ना यहाँ से ज्यादातर आपको मिल सकती है। अब यहाँ से बाय करके जो है ना किधर आप जाके गो डैडी के ऊपर या Sedo.com के ऊपर जो है ना आप अच्छी प्राइस में सेल आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल थोड़ा सा अपडेट था डोमेन के बारे में, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, किन को आप यूज कर सकते हैं, कौन सी सर्विसेज एक्वायर कर सकते हैं और जो है क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, Sedo पे अगर आपने जाना तो उसकी फीचर लिस्टिंग को आप यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा सेल आउट कर सकते हैं। गो डैडी के अंदर तो फीचर लिस्टिंग को भी आप यूज कर सकते हैं लेकिन ये कि जनरल लिस्टिंग भी जो है आपको अलाउ करेगी सेल आउट करने के लिए और लोग बाइंग वगैरह करते हैं और खुद भी आप जो है ना यहाँ से बाइंग वगैरह कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप स्नैप जो है नेम से जो एक्सपायर डोमेन्स वगैरह का आपको पूरा एक अच्छा डेटाबेस मिल जाता है जिसके अंदर से कोई डोमेन आप अच्छी बाय करना चाहते हो बाय कर सकते हैं, उसको फिर Sedo पे या डोमेन गो डैडी ऑप्शन में जाके आप लिस्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है जनाब,